पहले ब्राउन्स कलर था, अब सिल्वर हुआ। अगली बार मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी इन मेडल्स का कलर गोल्ड में तब्दील करेंगी। मेरा हुक में सिल्वर आया है एंड क्लब्स एंड रिबन में गोल्ड आया है। सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है हमें। अगर बात का गर्व है, इस बार हमने अपने मेडल का कलर बदला और उसको सिल्वर किया और पूरे इंडिया में हमने सेकेंड रैंक। दिसंबर से 23 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित जिमनास्टिक्स स्कूल नेशनल गेम प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटियों ने अपना परचम लहराते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा का परचम लहराने वाली बेटियों को जिमनास्टिक्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने बेटियों को बधाई देते हुए उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित करते हुए बेटियों का हौसला अफजाई किया है। जिम्नास्टिक गेम्स के अंदर हरियाणा लगातार इतिहास रच रहा है। 67वां नेशनल गेम्स के अंदर हरियाणा की टीम ने सेकंड पोजीशन प्राप्त की है, सिल्वर मेडल लेके आए हैं। हिंदुस्तान में फर्स्ट महाराष्ट्र है, सेकंड हरियाणा है। पिछली बार हम थर्ड पोजीशन पे थे, परंतु मेरी हरियाणा की बेटियों ने हरियाणा सरकार का सपना पूरा करते हुए हरियाणा को सेकेंड पोजिशन पर पहुँचाया है। जैसे कि ध्रुवी ने कहा और लाइफ ने कहा कि भी हमारा जो मेडल का कलर चेंज होगा, निश्चित तौर पे पहले ब्राउन्स कलर था, अब सिल्वर हुआ। अगली बार मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी इन मेडल्स का कलर गोल्ड में तब्दील करेंगी। वैसे तो गोल्ड लाइफ लेके आई है और ब्राउन्स और सिल्वर ध्रुवी लेके आई है, और ये बच्चियाँ बहुत अच्छा खेल रही हैं। अभी नेशनल गेम्स के अंदर भी 11 मेडल हरियाणा जिम्नास्टिक की टीम लेकर आई थी। मुझे प्राउड है कि मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और मैं इन बेटियों के लिए जितना कर पा रहा हूँ, मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि सरकार के प्रयासों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ का जो नारा है वो साकार हो रहा है और निश्चित तौर पर बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं। बच्चियों को साधुवाद, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही यह हरियाणा जिम्नास्टिक की खिलाड़ी ध्रुवी और लाइफ अदलखा है, जिन्होंने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित नेशनल स्कूल गेम में सेकंड रैंक प्राप्त करके हरियाणा का नाम ही रोशन नहीं किया बल्कि 28 राज्यों की टीम को पराजित करते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल भी प्राप्त किए हैं। बेटियों का कहना है कि सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ नीति के कारण ही आज वो इस मुकाम पर पहुंच रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि बैंगलोर में 26 से 29 दिसंबर तक होने वाले नेशनल गेम्स में देश के लिए प्रथम रैंक प्राप्त करके देश व प्रदेश का नाम रोशन करना है। उनका लक्ष्य देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का है। इससे पहले वह तीसरे स्थान पर थे लेकिन अब दूसरे स्थान पर आ गए हैं। स्कूल गेम्स में आए हैं, हमने लास्ट कॉम्पिटिशन नेशनल गेम्स खेला था जिसमें कि हमारी टीम थर्ड पोजीशन पर रही थी, लेकिन हमें इस बात का गर्व है, इस बार हमने अपने मेडल का कलर बदला और उसको सिल्वर किया और पूरे इंडिया में हमने सेकेंड रैंक। आगे हमारा टारगेट है कि हम इस सिल्वर कलर को वापस गोल्ड में कन्वर्ट करें और पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट पोजीशन में आए। सरकार हमें बहुत सपोर्ट करती है, आज जो ये मेडल आए हैं 50% हमारा है तो 50% सरकार भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। थैंक यू टू हरियाणा जिम्नास्टिक एसोसिएशन, CM मनोहर लाल सर एंड हरियाणा गवर्नमेंट। मेरा नाम लाइफ अतलखा है और मेरे स्कूल नेशनल गेम्स में 5 मेडल आए हैं, उनमें से मैं ऑलराउंड सेकंड का टाइटल आई और मेरा नेक्स्ट टाइम फर्स्ट बनने का इरादा है। एंड जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें मेरा एक गोल्ड था और इस बार मेरे 2 गोल्ड आए हैं एंड हमारी टीम तो आई है सेकंड, और वो बहुत प्राउड मोमेंट था क्योंकि सबने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है पिछले साल से। मेरे इंडिविजुअल मेरा हुप में सिल्वर आया है एंड क्लब्स एंड रिबन में गोल्ड आया है। सरकार बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हमें, अगर कभी भी हमें नीड होती है हम ऐसे कॉल कर सकते हैं तो हमें हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा। सपने क्या हैं आपके? सपने मेरे लिए इंडिया के लिए मेडल लेके आना है मुझे एक दिन। अगर जिम्नास्टिक फेडरेशन एवं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू व खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाले कोच की माने तो फेडरेशन लगातार खिलाड़ियों को आगे लाने का काम कर रही है। जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने हैं तब से बच्चे देश और दुनिया में खेलों के मैदान में सबसे आगे हैं। हरियाणा के खिलाड़ी लगातार देश का दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। हरियाणा सरकार की खेल नीति के कारण ही आज बेटियां भी खेलों में अपना परचम लहरा रही हैं। बेटियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रही हैं और ये गोल्ड अभी सिल्वर आया, गोल्ड भी आएगा, विदेश में भी जाके हमारे बच्चे मेडल लेके आएंगे और बड़ा ही अच्छा ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सिंसियर हैं।
इसमें हरियाणा सरकार हमारी बहुत मदद कर रही है। पहले में ये फर्क है कि पहले हमें कैश अवार्ड बहुत कम मिलता था, जॉब सिक्योर नहीं थी। अभी ये दोनों बेटियों की जॉब सिक्योर हो चुकी है, नस्ल के में पोजीशन आई थी, इनको 10 साल का टाइम है। जैसे इनकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, ग्रुप सी की नौकरी तो इनकी पक्की हो चुकी है। कैश अवार्ड हमें 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख जो अभी नेशनल गेम्स के व्याप पे मिला था, मिलेगा अभी, और जो अभी ये मेडल आए इन पे भी कैश अवार्ड मिलेगा। सरकार की बहुत अच्छी भूमिका है, सरकार पूरा हमारा साथ दे रही है। बच्चों को कदम कदम पर डाइट मनी, कैश अवार्ड, जॉब, अच्छे अच्छे ग्राउंड सब कुछ मुहैया सरकार करा रही है। अपने हरियाणा के अंदर बहुत अच्छे कोचेज हैं और सरकार प्रोत्साहित बहुत कर रही है, अपनी स्कीम्स के नई नई स्कीम्स लेके आ रही है, अकेडमी खोल रही है, नर्सरियां चला रही है सरकार। बता दें कि पूर्व की सरकारों में खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती थी, जिसके कारण हरियाणा के खिलाड़ी खेलों में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। लेकिन जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने हैं, तब से खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा मिल रही है। जहां एक तरफ खेलों में मेडल आने पर करोड़ों रुपए की राशि दी जा रही है, वहीं सरकारी नौकरियां भी दी जा रही हैं। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी लगातार खिलाड़ियों को मिल रही हैं और उसी का नतीजा है कि आज खिलाड़ी लगातार मेडल लाकर अपना परचम लहरा रहे हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।